महानगर टाइम्स देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिरोही जिले में ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से आयोजित 4 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति बोली, आध्यात्मिकता का मतलब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। विदेश मंत्री जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान, 15-16 अक्टूबर को एससीओ की बैठक में होंगे शामिल। 2015 में सुषमा स्वराज के बाद भारतीय नेता का ये पहला दौरा। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग कल, टीमें पोलिंग बूथों पर पहुंची, मतगणना 8 अक्टूबर को। एनकाउंटर में 14 नक्सलियों के मारे जाने की मिली जानकारी। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर हुई मुठभेड़, AK-47 समेत ऑटोमेटिक हथियार भी हुए बरामद। पद को लेकर राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी बरकरार, कई खेमों में बटी आ रही नजर, जिलों के अंदर भी गुटबाजी चरम पर। जयपुर एयरपोर्ट सहित देश भर के 100 एयरपोर्ट को भेजा गया धमकी भरा मेल। जयपुर एयरपोर्ट पर CISF को मिला थ्रेट मेल, सर्च में अब तक नहीं मिल पाया कुछ भी संदिग्ध। जयपुर भागटोटा के केशवपुरा में लैपर्ड के मूवमेंट से दहशत, कल देर रात नीलगाय के बच्चे पर भी किया था हमला। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए महानगर टाइम्स। नमस्कार।